मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में सीटों पर भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं, जिनमें स्टेनोटाइपिस्ट स्केल 14 की 2 सीटें हैं, इंटरमीडिएट 40/80 टाइपिंग स्पीड के साथ है जी, यूडीसी स्केल 11 1 सीट, इंटरमीडिएट 3 हफ्ते का बेसिक आईटी कोर्स होना चाहिए, एलडीसी 9 स्केल की 1 सीट है, मैट्रिक प्लस 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड और एमएस ऑफिस पर अबूर हो। इसके अलावा इनके जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का, उसमें असिस्टेंट 15 स्केल की 2 सीटें, ग्रेजुएट 6 हफ्तों का आईटी कोर्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए। वीवर स्टेनोटाइपिस्ट की 2 सीटें हैं और स्केल 14 है और इसके लिए इंटरमीडिएट 40/80 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। नैब कासिद के लिए प्राइमरी पास, टोटल 9 सीटें हैं, इन्हें 6 दिसंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मुतलका जो आपकी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, अटेस्टेड कॉपीज के, हमारा हार्ड कॉपी और आप साथ लगाएं और 6 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये वफाकी महकमा, इन्हें पाकिस्तान में कहीं भी अपॉइंटमेंट करने का अख्तियार हासिल होता है। अलबत्त आप अप्लाई करने के लिए njp.gov.pk पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर सबसे पहले आपको साइनअप होना पड़ेगा। आप दोबारा से देख लेंगे, njp.gov.